तो डिस्चार्ज और स्पॉटिंग के अलावा या कांटेक्ट ब्लीडिंग यानी अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप के बाद आपने को आपको दाग लगने का मसला हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मैं आपकी एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए अपनी तरफ से बहुत आसान ज़ुबान के अंदर वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरा मैसेज बहुत क्लैरिटी के साथ जो बंदा जहाँ बैठा हुआ भी सुन रहा है उसको मिल जाए। तो उम्मीद है कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब होती हो रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। आज हमने बात करनी है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो ज़ख़म बन जाता है उसकी क्या वजूहात हैं और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। क्या हर ज़ख़म बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो बनता है वो कैंसर होता है या इसके ऊपर सारी बात करेंगे। तो बच्चेदानी के ऊपर जो मुँह के ऊपर जो ज़ख़म बन जाता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, इसकी निशानी ये होती है कि मरीज़ को पीरियड्स के बाद भी दाग लगता रहता है। ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड हैं और हस्बैंड से रिलेशनशिप के बाद आपको ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है, और इसके अलावा अगर आपको कोई जिस तरह से डिस्चार्ज की कंप्लेन हो सकती है, पानी पड़ सकता है जिसमें से ब्लड मिक्स आ रहा हो और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दफ़ा आपको एग्जामिनेशन किए बगैर आपको इंटरनली इस्तेमाल के लिए कुछ क्रीमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि शायद इन्फेक्शन है, लेकिन जब वो ठीक नहीं होता और डॉक्टर उसको देखते हैं, पहली बात तो यह है कि जब भी आपको डिस्चार्ज का या लकोरिया का प्रॉब्लम हो, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी सर्विक्स को देखे कि कहाँ से आ रहा है आखिर ये डिस्चार्ज, क्या ये कोई इन्फेक्शन है या कहाँ से आ रहा है। तो जब कोई फाइनली आपको देखता है तो वो आपको बताता है कि जी आपकी बच्चेदानी के मुंह के आगे एक ज़ख़म है, और आप ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज और स्पॉटिंग के अलावा या कांटेक्ट ब्लीडिंग यानी अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप के बाद आपने को आपको दाग लगने का मसला हुआ, तो जब आपको ये प्रॉब्लम होता है तो इसकी क्या वजह होती है, क्यों बन जाता है। अगर तो आप यंग हैं तो यंग पेशेंट्स के अंदर क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसको हम सर्वाइकल एक्टोपी कहते हैं। सर्वाइकल एक्टोपी का मतलब यह है कि सर्विक्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल जोन होता है जो कि नॉर्मली अंदर की तरफ होता है। वो हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से या हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से उस एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और वो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप कोई बच्चों के वक्फे वाली गोलियाँ खा रहे हैं जिसको OCPs कहते हैं, या आपको वैसे भी आपकी को जो है वो PMS की पेशेंट है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं या एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि आपकी उस हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ़्लो होता है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब उनको उस एक तो उस वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होने की वजह से डिस्चार्ज का प्रॉब्लम बनता है, और साथ ही जो है वो अगर उनके साथ कोई चीज़ कॉन्टैक्ट आती है सर्विक्स के साथ तो बच्चेदानी के मुँह के साथ, तो वहाँ से ब्लीडिंग का मसला शुरू हो जाता है। नंबर दो मसला जो वो है बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स का इन्फेक्शन जिसको सर्विसाइटस कहते हैं। क्रॉनिक सर्विसाइटस होता है, एक एक्यूट सर्विसाइटस होता है। एक्यूट सर्विसाइटस का मतलब ये कि कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है चाहे वो नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, वो आपकी वेजाइना के थ्रू सर्विक्स तक पहुँचा और उसने वहाँ पर अपने जो है वो अल्सर बना दिया कोई, और उस अल्सर से क्या हुई, हल्की हल्की ब्लीडिंग रसने लग गई या फिर कच्चा गंदा पानी पड़ने लग गया, तो वो भी एक वजह हो सकती है क्रॉनिक सर्विसाइटस उसमें, या अक्यूट सर्विसाइटस, उनको भी हम एंटीबायोटिक की मदद से लेकिन पहले देखेंगे और उसके बाद उसका इलाज कर सकते हैं। ये जो पहली दो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं, पहली बीमारी का इनके इलाज में आपको एंड में बताऊंगी। अब तीसरी एक चीज़ होती है जो कि ख़वातीन 50 साल से ज़्यादा उम्र की हैं और उनकी मावारी बंद हो चुकी है, और जब एक दफ़ा मावारी बंद हो चुकी होती है तो देखा गया है कि डिस्चार्ज और ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं, लेकिन अगर उस सूरत में भी आपको गंदा पानी आ रहा है जिसमें ब्लड मिक्स है, या आपको कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग यानी हस्बैंड से रिलेशनशिप के बाद खून पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट ना लें। आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि
यहाँ पे देखा ये गया है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसका एक टेस्ट होता है पैप स्मियर, इसका ट्रेंड मैंने देखा है ना होने के बराबर है। इवन बहुत सारे डॉक्टर हजरात भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, हालांकि अगर आप फीमेल जो है वो 35 साल की उम्र, आपका हर 2 से 3 साल के बाद एक दफ़ा पैप स्मियर रिपीट होना चाहिए। अब उस पैप स्मियर में देखते ये हैं कि बच्चेदानी के मुँह के अंदर कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आ रही जो कि अगले 5-10 सालों के अंदर कैंसर का सबब बन सकती है। वो अगर आपकी एक दफ़ा ठीक आती है तो 3 साल तक आप बिल्कुल सिक्योर हैं, 3 साल के बाद आपने वो टेस्ट दोबारा कराना है। और यकीन जाने इस पैप स्मियर के ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद टेस्ट है क्योंकि ये कैंसर को बनने से पहले ही पकड़ लेता है और इस तरह से क्या होता है कि मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा किसी मुश्किल सिचुएशन का शिकार नहीं होते। तो आपको अगर ये पानी पड़ रहा है और आपका कभी पैप स्मियर नहीं हो रहा है तो आप फ़ौरन अपनी गायनी की डॉक्टर के पास जाएँ और उससे ये कहें कि मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन करें और देखें कि मेरी सर्विक्स के ऊपर कोई ख़तरनाक किस्म का अल्सर तो नहीं बना हुआ, और उसे कहें कि वो आपका पैप स्मियर ले। हर वो मरीज़ जिसकी सर्विक्स के ऊपर अल्सर है, चाहे वो इन्फेक्शन वाला लग रहा है या दूसरा है, इन्फेक्शन की दवाई देने के बाद एक दफ़ा उसका पैप स्मियर करना गायनोकोलॉजिस्ट की ज़िम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि एक नज़र से देखने पे ये पता नहीं चल सकता कि ये वाकई इन्फेक्शन वाला अल्सर है या हो सकता है ये कोई कैंसरस अल्सर हो जिसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया हुआ है और आप इसको इन्फेक्शियस अल्सर समझ के छोड़ दें। तो लिहाजा आपने जो है वो देखना है। अब जो सर्विक्स का पैप स्मियर टेस्ट आता है उसके अंदर देखा जाता है कि जो सेल डॉक्टर ने लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए भेजे हैं सर्विक्स के, क्या वो नॉर्मल सेल से मिलते जुलते हैं या उसके अंदर कोई और किस्म की तब्दीली आ रही है, कोई कैंसर नुमा तब्दीली आ रही है। अगर उसके अंदर कोई कैंसर नुमा तब्दीली आ रही होगी तो आपकी डॉक्टर आपको मज़ीद एक कैमरे वाले टेस्ट का बताएगी, जिसको हम जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम सर्विक्स को कॉल्पोस्कोपी की मदद से प्रॉपर विजुलाइज़ करते हैं और जो हिस्से हमें लगें कि जहाँ पे कैंसर का शुबा हो सकता है उनके हम पीस लेके बकायदा लैब से टेस्ट कराते हैं ताकि 100% कंफर्म हो जाए। जो पैप स्मियर है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी वो सिर्फ बता सकता है कि कुछ गड़बड़ है, अल्टीमेटली हमने उसकी बायोप्सी लेके तो उसको चेक करना होता है। तो पहली जो चीज़ है जो सर्वाइकल एक्टोपी है उसके लिए तो हम पेशेंट को हल्की फुल्की मेडिसिन दे सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं कि इस ये ठीक हो जाए, लेकिन अगर ठीक ना हो तो हमें इसके लिए सर्वाइकल कॉटरी करने पड़ती है, यानी इसका मतलब ये होता है कि वो जो खून की नालियों के मुँह जो खुल गए हुए हैं उनको हमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकॉटरी या क्रायोकॉटरी यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे के उनको बर्न करना होता है। इसमें आपको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती है क्योंकि आपका पूरा जो जिस्म का निचला हिस्सा होता है वो सुन होता है और सिर्फ हम सेलेक्टिवली ब्लड वेसल्स को पकड़ के कॉटरी करते हैं। कॉटरी की दूसरी किस्म ये होती है कि क्रायो कॉटरी, कि हम उनको इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर दें, इतना ज़्यादा वो करें कि उनके जो एंड्स हैं वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएँ और वो उसमें से ब्लीडिंग आना बंद हो जाए। और उसके बाद जब आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए तो हम डेफिनेटली उसको जो है वो कर सकते हैं, उसका पैप स्मियर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सर्विक्स बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को आपने ट्रेस करना है, उसके हमने पैप स्मियर सर्वाइकल आपने स्वैब लेने हैं और देखना है क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या सिंपल इन्फेक्शन है, क्योंकि सिंपल इन्फेक्शन यूजुअली सर्विक्स तक नहीं जाता। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन गोनोरिया और क्लाइमेडिया होते हैं जो ऊपर सर्विक्स में जाके लोकेलेट हो जाते हैं और वो सर्विक्स को जो है वो उसमें से ब्लीडिंग का सबब बनते हैं। तो आपने इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड को ज़रूर डॉक्टर से कहना है स्क्रीन कर लें। और अगर आपको डॉक्टर 50 साल से उम्र ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर आपके सर्विक्स को देखेगी और हो सकता है वो वहाँ से पैप स्मियर ले। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं, उसकी मदद से भी सेल ले के टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ये भी बहुत कम जगहों पर मौजूद है लेकिन मोस्टली बड़े शहरों के अंदर ये अवेलेबल है, वो ज़रूर करवानी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी डॉक्टर सब कुछ ठीक है तो फिर हल्की पुल्की मेडिसिन से या जो है वो उसके साथ आपका ट्रीटमेंट कर दे तो वो दोबारा से चीज़ वापस नहीं आएगी। लेकिन जब तक उसकी वजह पता नहीं चलेगी कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ज़ख़म बना क्यों है, ये एक्टोपी है, ये आपका सर्वाइकल ओरोयन है, ये सर्वसाइटस है यानी सर्विक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हुआ है, या खुदा न खास्ता ये सर्वाइकल इंट्राएपिथीलियम न्यूओप्लाज्म या
सर्विक्स का कैंसर है। जब तक एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा इसकी ट्रीटमेंट तुक्के लगाने से नहीं होगी। तो लिहाजा अगर आपको डॉक्टर ये बात बताए कि आप या आपको ये मसला हो गए, आपको स्पॉटिंग हो रही है हस्बैंड से मिलने के बाद या डिस्चार्ज आ रहा है जिसमें कि ब्लड है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कहें आपकी सर्विक्स का मुआयना करें, और अगर बताती हैं कि उसके ऊपर अल्सर है तो फिर आपने उसमें इन सारी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर को भी बता देना, क्योंकि जब आप थोड़ा सा डॉक्टर को बता देते हैं ना तो वो ज़्यादा कंसर्न हो जाता है कि ये एक एजुकेटेड पेशेंट है तो मुझे इसको ज़रा प्रॉपरली देखना है। क्योंकि वैसे तो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो हर पेशेंट को प्रॉपरली देखे, चाहे वो एजुकेटेड है या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब आप जिक्र कर देते हैं आपके पास बैकग्राउंड में नॉलेज होता है तो लोग आपको इतना लाइट नहीं लेते हैं। इवन डॉक्टर्स को भी पता होता है कि ये एक एजुकेटेड पेशेंट है, इसको मैंने बहुत तरीके से लेके चलना है कि ये मुझसे कल को सवाल करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, सवाल ज़रूर कीजिए अपने डॉक्टर से, बेशक वो आगे से जवाब आपको यही दे कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हूँ, लेकिन आपने ज़रूर क्वेश्चन करना है क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है और अपनी सेहत के लिए आप वहाँ पे गए हुए हैं। अन्य तुक्के दवाइयाँ खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप डॉक्टर से पूछें कि ये दवाई क्यों दे रही हैं, क्या उन्हें वजह पता लग गई है ये मुझे दवाई दे रही हैं या बिल्कुल मेरे ऊपर कोई तजर्बा करने लगी हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इस पर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।